जय हिंद टू एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है जिस सबका आप सारे लोग इंतजार कर रहे हो, वो है आपका नीट एमएनएस फाइनल मेरिट लिस्ट 2023। ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उनके कॉल आ रहे हैं, बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास कि मैम इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट कब रिलीज होगी। तो गर्ल्स डोंट वरी, जल्द ही फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी आने वाली है। सो वेट करिए थोड़ा सा, अक्टूबर के सेकेंड वीक से पहले पहले आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी जाएगी। ठीक है, सो क्योंकि आज भी मेरे पास एक काफ़ी ज़्यादा कॉल आए हैं और इसी से रिलेटेड मैसेजेस आते रहते हैं कि मैम कब आने वाला है, कब आने वाला है। सो क्लियर कट हम आज वीडियो में ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट कब आने वाली है। सो मैंने ये आंसर आपको दे दिया है कि आपका अक्टूबर सेकेंड वीक के पहले पहले आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट एमएनएस 2023 रिलीज कर दी जाएगी। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि बहुत सारे बच्चे हैं, उनके अलग अलग तरीके के डाउट हैं। सपोज दैट काफ़ी सारे बच्चे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप लोग कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके नीट में मार्क्स कम हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके नीट में काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं, लाइक 550, ओके, मतलब 500 से अबव है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 350 पे रुके हुए हैं या 400 जिनके मार्क्स हैं नीट एग्जामिनेशन। तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा डिलेमा में है कि मैम हमारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि CBT मेडिकल इंटरव्यू हमारा सारा नॉर्मल गया हुआ है, ठीक है, और बाकी हमारा सब कुछ फिट गया है। बट दिक्कत ये है कि एक र्यूमर बहुत बड़ा फैला हुआ है कि मैम MNS का जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा 2023 उसमें हमारा नेम होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमारे नीट में बहुत खराब मार्क्स आए हैं, लाइक हम कट ऑफ के जस्ट पास में ही हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है कि आपने अगर एग्जामिनेशन दिया है नीट का, अगर आपने कट ऑफ पार की थी, इफ आप लोग सिलेक्ट हुए थे फॉर द सेकेंड राउंड, ठीक है, फॉर इंटरव्यू प्रोसेस, फॉर CBT प्रोसेस, फॉर योर मेडिकल प्रोसेस, ठीक है, तो इसमें क्या था, आपने एक कट ऑफ पार की थी, आपने वो चीज़ पार की थी। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि जो मेरिट लिस्ट बनने वाली है आप लोगों की, उसमें आपका नीट का एग्जामिनेशन प्लस आपका CBT, इंटरव्यू, मेडिकल, इन सबके मार्क्स एड होकर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। हाँ, जिनके नीट में ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं तो वो तो फ़ायदा ऑब्वियसली ले ही लेंगे, ठीक है, बट ये बात बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाली है कि जिन बच्चों के नीट में मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं हैं उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने नीट में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाया है, उन्होंने क्या किया है, अपने CVT इंटरव्यू और जो मेडिकल प्रोसेस थी उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स ऐसी थी जो मेडिकली अनफिट हो गई थी, ठीक है, या जिन्हें मेडिकल में कम पॉइंट्स मिले हैं या किसी कारणवश रह गई हैं, ठीक है, तो आपको इस चीज़ का टेंशन नहीं लेना है। खासकर वो बच्चे जो नीट में 350, 380, 400 के आसपास वाले हैं, 450 के आसपास वाले हैं, ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट में ये केवल और केवल मायने नहीं रखेगा कि आपके नीट में ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं, क्योंकि हो सकता है जिस बच्चे के 550 या 560 नीट एग्जामिनेशन में आ रहे हों और उसका MNS के CVT में उसका CVT ही नहीं क्लियर हुआ, है ना, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है ना। तो मैं यही चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि MNS एग्जामिनेशन में अगर आपका CVT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, अगर वो अच्छे से नहीं दिया है, क्योंकि उसमें आपने खुद जानते हो कि माइनस मार्किंग भी है, ठीक है, 0.5 की आई थिंक माइनस मार्किंग है उसमें, तो अगर आप क्वेश्चंस भी गलत करके आए हो या गलत करके आए हो तो आपको निगेटिव मार्किंग प्लस फेल होने के भी चांसेस होते हैं CVT में, ठीक है, और इस बार का CVT काफ़ी ज़्यादा हार्ड आया, मॉडरेट पेपर नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं वो हल्के में ले लेते हैं, अरे भाई इंटरव्यू की प्रिपरेशन ठीक थोड़ा बहुत कर लेते हैं या नहीं कर लेते हैं, ठीक है, सो
ये मैं कंफर्म करना चाहूंगी आप सारे बच्चों को कि अगर आपके नीट में मार्क्स कम है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छे से प्रिपरेशन करो और आप सबका आएगा नंबर, ठीक है, मेरिट लिस्ट में। सो ऑल द बेस्ट। अगर किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन और भी लेनी है तो जिसको भी फिर भी कोई भी डाउट रह गया है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक्स एंड नंबर अवेलेबल है, आप जाइए और उसमें जाकर अपने सारी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए ताकि सबसे पहला अपडेट आप लोगों को मिलता रहे रिलेटेड टू MNS और अदर डिफेंस एग्जामिनेशन। सबसे आखिरी में केवल मैं ये बात ऐड करना चाहूंगी कि जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है, ऑल द वेरी बेस्ट। जिन्होंने 2023 के एग्जाम में अपियर हुए हैं, जो नहीं हुए हैं उन सारे बच्चों के लिए है कि 2024 आप सभी कैंडिडेट्स का इंतजार कर रहा है। सो गर्ल्स गेट रेडी, हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके के बैचेस अवेलेबल हैं, आप जल्दी जाइए एनरोलमेंट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि लाइफ में मौके बार बार नहीं मिलते और जब भी मिलते हैं उन्हें हमें ग्रैब कर लेना चाहिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद जय भारत।